आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, जहां मीडिया से हुई बातचीत में अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से बीती रात को लखनऊ लेकर आया गया था। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर बसपा से विधायक रहे राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था, जो कि अब तय हो गया है। वहीं पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। इसके चलते प्रयागराज पुलिस अभी तक अतीक की करीब 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में भी अलग अलग जगहों पर करोड़ों की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। वहीं अतीक अहमद के मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायक राजू पाल की हत्याकांड में अतीक अहमद पर आरोप तय हो चुके हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद हैं। विभांशु, अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत ही ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, आज उन पर राजूपाल हत्याकांड को लेकर आरोप भी साबित हो चुके हैं, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी मनीष जी, आपको बताया कि आज लखनऊ के हाई कोर्ट में एंटी करप्शन टीम, एंटी करप्शन जो कोर्ट है उसके अंदर में आज अतीक अहमद की पेशी हुई है। अगर बात की जाए मनीष जी, तो कोरोना काल के बाद अतीक अहमद की ये पहली पेशी है। और आपको बताएं कि अलाहाबाद पश्चिमी से 2005 के दौरान एक बसपा के मंत्री थे राजू, उनकी मौत के जिम्मेदार उस समय अगर बात की जाए तो अतीक अहमद को माना गया था। उसी को मैं आपको बताया कि जो साक्ष थे वो आज कोर्ट में अतीक अहमद के पक्ष मिले हैं और आरोप अतीक अहमद के आज तय हो गए हैं। सबसे पहले आपको बताया मनीष जी, जब अतीक अहमद पुलिस वैन से आज जब कोर्ट के सामने उतरता है तो मुस्कुराते हुए अपने जो तमाम चाहने वाले थे और जो उसके समर्थक थे, सबसे पहले उसका अभिवादन करता है। अभिवादन करने के बाद वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्मठ और साथ ही साथ कहा कि एक बहादुर सीएम है और ईमानदार सीएम है। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बयान से जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफियाओं की कार्रवाई पे अगर देखें तो देश का एकमात्र ऐसा सीएम गिना जा रहा है कि जो माफियाओं पे कार्रवाई लगातार किए जा रहा है। और माफिया अगर तारीफ कर रहा है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस पे अपना क्या रुख अपनाता है। और वही आपको बताएं कि राजू पाल हत्याकांड को लेकर आज पेशी हुई है, जिसमें आज अतीक अहमद पर आरोप तय हो गए हैं। आने वाले 3 नवंबर को अगली तारीख दी गई है और इस दिन फिर से अब माना यह जा रहा है कि अतीक अहमद की पेशी होगी। और कोरोना काल के बाद से पहली बार गुजरात के साबरमती जेल से अतीक अहमद को लखनऊ के हाईकोर्ट लाया गया था। और हाईकोर्ट जब उसे लाया गया तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और आपको बताया कि पुलिस जीप से उतरने के बाद सीधे वो कोर्ट के अंदर गया और अभिवादन करते हुए अपने समर्थकों का, और वहां उस पर आरोप तय हो गए हैं। वही आपको बताएं कि 25 जनवरी को पूरा देश जहां 2005 में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ था, साथ ही साथ सड़कों पर तिरंगा लगाए गए थे, उसी क्रम में 25 जनवरी को पश्चिमी इलाहाबाद सीट से विधायक राजू पाल की हत्या होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो गणतंत्र दिवस का जो मजा था, गणतंत्र दिवस का जो पर्व था वो फीका होते हुए नजर आया था। और आपको बताया कि इसमें तमाम गवाह जो है उनकी गवाहियां भी हो चुकी हैं और आगे की कार्रवाई अब 3 नवंबर को होगी। देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है, मगर अतीक अहमद पर जो आरोप लगे थे वो तय हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाइयों में क्या सजा दी जाती है और क्या कार्रवाई में किन किन लोगों का नाम लिया जाता है। वही आपको बताया कि जब अतीक अहमद को आज हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया, उस वक्त उसका भाई भी वहां बुलाया गया था, क्योंकि देखा ये गया था कि जब हत्या हुई 2005 के अंदर में राजू पाल की, तो अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई के ऊपर भी चार्जेस लगे थे। अब आने वाले 3 नवंबर को जब फिर से वापस से कोर्ट अपना इस पर फैसला सुनाएगा तो देखने वाली बात ये होगी कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर क्या कार्रवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। जी जी विमान, अतीक अहमद जुर्म की दुनिया में एक ऐसा नाम था जिसने दहशत से अपना पूरा इलाका कांपता था, जहाँ वो जिस भी जेल में गए वहाँ का जिला जेल अध्यक्ष और वहाँ के जो उनकी सुरक्षा में तनाव थे वो भी उनसे घबराते थे, उनका ये दहशत का माहौल था। फिलहाल आज अतीक अहमद को सजा
एक तरह से उनकी मिल चुकी है। राजूपाल हत्याकांड को लेकर वो मुख्य अभियुक्त थे। फिलहाल विमांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी में हुई जांच में डेंगू के कई मरीज मिले हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत और नगर निगम के जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिनके बावजूद सभी जिम्मेदार मौन हैं। कई मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं मरीजों की जांच कराने के लिए भी पैथोलॉजी पर जाना पड़ता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। इस खबर पर हमारे साथ विवेक शाही हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लगातार डेंगू में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के महकमा जो है, वहाँ के अधिकारी जो हैं, लापरवाही बराबर कर रहे हैं। मरीजों को अपनी पैथोलॉजी में अपनी जांच कराने के लिए भी पैथोलॉजी जाना पड़ रहा है, प्राइवेट पैथोलॉजी जाना पड़ रहा है। सरकारी पैथोलॉजी में वो सुविधा भी उनको अच्छी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी मनीष जी, सूबे में डेंगू के मामले जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ ही डेंगू के मामले से त्रस्त है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ चिन्हित किए गए हैं, जहाँ नगर निगम ये बात तो करता है कि वो दवा का छिड़काव करा रहा है, फॉगिंग करा रहा है, पर धरातल स्तर का कार्य कुछ और ही दिखता है। नगर निगम की लापरवाही दिखती रहती है। वहीं जो है कल जो है डेंगू से लखनऊ में पहली मौत दर्ज की गई, जो एक निजी अस्पताल में डेंगू से पहली मौत दर्ज की गई है। मामला अपोलो अस्पताल का बताया जा रहा है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि डेंगू के मरीज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि कम से कम पूरे जनपद की अगर बात करें तो 15,000 से 20,000 मरीज जो है वो ओपीडी में डेंगू की जांच कराने के लिए सिर्फ आ रहे हैं। जैसा कि पूरे जनपद में 10 नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है, 8 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है, वही 30 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 52 हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में अलग से संचारी वार्ड बने हुए हैं। यहाँ तक कि उसमें भी 90% जो है बेड बुक हो चुके हैं, मरीजों से जो है भर चुके हैं। इसके बाद सर्जिकल वार्डों में उनको एडमिट कराया जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही जा रहा है डेंगू को लेकर। मनीष जी, विवेक, 90% से ज्यादा अस्पतालों के बेड लगभग फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत और नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। दवाओं का छिड़काव भी पर्याप्त तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आपके संज्ञान में भी होगा। तो जब इस पे स्वास्थ्य विभाग के महकमे के अधिकारियों से आपने कुछ चर्चा की होगी, बात की होगी, तो उनका उस पर क्या बयान आ रहा है? जी, जहाँ तक दवा के छिड़काव की बात है, फॉगिंग की बात है, तो इसके जिम्मेदार पूरा तरह से नगर निगम है। उनकी लापरवाही साफ ही जो है देखने को मिलती है। जब हम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से इस बारे में बात करने गए थे, तो मैं स्पष्ट रूप से बताया था कि जो भी जगह चिन्हित किए गए हैं जो डेंगू से ग्रसित है, वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग वगैरह की जा रही है। लेकिन जब हम इसका सर्वे करने अपनी टीम के साथ, प्राइम टीवी की टीम के साथ धरातल पहुंचते हैं, तो स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया है, जो वाकया बताया है, वो बहुत बहुत ही चौंकाने वाला है मनीष जी। स्थानीय लोगों ने, जैसे फजुल्लागंज हो गया, त्रिवेणी नगर हो गया, रहीम नगर का इलाका हो गया, आलमबाग क्षेत्र के कुछ इलाके हो गए, स्पष्ट शब्दों में वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी तक कोई भी यहाँ पे फॉगिंग के लिए कोई मशीनें नहीं आई है, ना ही एंटी लार्वा का छिड़का हुआ। और जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। इस समय 500 से ज्यादा जो है आंकड़ा चल गया है एक्टिव मरीजों का, ये स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। लेकिन ये आंकड़ा जो है कागजों पे है मनीष जी, और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जो है इस आंकड़े को छुपा रहा है। अगर असली आंकड़ों की बात अगर पता की जाए तो ये मामले 500 से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के अलावा मरीज जो है वो निजी अस्पतालों का भी रुख कर रहे हैं, जहाँ से एक मौत जो है डेंगू की पहली मौत जो है दर्ज की गई थी। और छोटे क्लिनिक से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, तो जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्रकोप कितना बड़ा हुआ है ओपीडी में, जहाँ की सरकारी अस्पतालों, हेल्थ सेंटरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ इन्हीं सेक्टर में जो है सरकारी क्षेत्रों में ही जो है 15,000 से 20,000 मरीज जो है ओपीडी में अपने डेंगू की जांच कराने के लिए आ रहे हैं। बलरामपुर का अस्पताल ले लीजिए, सिविल अस्पताल ले लीजिए, हर जगह की मरीजों की तादाद जो है बढ़ती ही जा रही है मनीष जी। विवेक, जब प्रदेश के मुखिया ने खुद सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि अधिकारियों को कि आप डेंगू से रोकथाम के जो भी उपाय हो सकते हैं उसे किया जाए, अस्पतालों की भी स्थिति इतनी
चिंताजनक हो चुकी है कि वहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तीमानदारों संख्या बढ़ती जा रही है, 90% से ज़्यादा बेड फुल हो चुके हैं, फॉगिंग हो नहीं रही है, तो इतनी विकट स्थिति के बाद भी आपने मरीजों से बात की होगी, तो उनका क्या कहना है इस पे? जी हमारे मरीज जो है खुद में ही परेशान है इसको लेके, क्योंकि ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, दिन ब दिन फैलता ही चला जा रहा है। लखनऊ की स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। जो लोग पीड़ित के घरों में मरीज है, पीड़ित चंगा खुद ही हलकान है इससे, डेंगू के मामले से, और उपचार के लिए जा रहे हैं। ऐसे भी कई मामले मनीष जी होते हैं कि लोग जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं लेते हैं, उन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा हर एक मोहल्ले को चिन्हित भी किया जा रहा है। टीम जो है सर्वे करके जो है साफ सफाई का भी ध्यान रखी है, लोगों को वो जागरूक भी कर रही है, जिंगल बजा के जागरूक कर रही है। एक आध बार नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया गया था, लेकिन अब ऐसे आयोजन नहीं हो रहे हैं। यहाँ से की एडवाइजरी भी जनता के लिए जारी की गई है कि डेंगू से बचने के क्या कुछ उपाय वो घर पे अपना सकते हैं, लेकिन मामला जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले, मनीष जी मैं आपको बता दूं, टीवी पे बहुत ही अच्छा काम किया था इसको रोकथाम के लिए, बहुत ही अच्छा, ऐसा ही कुछ युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को डेंगू से भी, तभी इस महामारी से, डेंगू की महामारी से सूबे और लखनऊ की जनता को मुक्ति मिलेगी। मनीष जी, विवेक, मरीज सरकारी अस्पतालों में अपनी जांच नहीं करवा पा रहे हैं, उनको पैथोलॉजी में जाना पड़ रहा है, प्राइवेट पैथोलॉजी में जाना पड़ रहा है, इसको लेकर मरीजों ने अपनी शिकायत जरूर की होगी। जी बिल्कुल, इतनी भीड़ है सरकारी अस्पतालों में मनीष जी, पैथोलॉजी में, हर अस्पताल में पैथोलॉजी में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ब्लड सैंपल के लिए लाइनें लग रही है। आज हमने महानगर के सिविल अस्पताल, महानगर का जो भावराव देवरा अस्पताल है, वहाँ भी जाके देखा था कि ब्लड सैंपल के लिए मरीज आ रहे थे, जांच करने के मरीज आ रहे थे, तो काफी ज्यादा भीड़ थी। तो इस भीड़ को नजरअंदाज करने के लिए जो है निजी क्षेत्रों का भी, निजी हॉस्पिटल अस्पतालों का भी मरीज रुक कर रहे हैं, और निजी अस्पतालों द्वारा मोटी कमाई इस माध्यम से की जा रही है, काफी गाड़ी कमाई इस माध्यम से की जा रही है, और मरीजों के हिसाब से निजी अस्पताल द्वारा लूटा जा रहा है मनीष जी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ की वजह से कुछ मरीज जो है कट के वो निजी अस्पतालों क्लिनिक पे जा रहे हैं। जी विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में बढ़ते रेप केस को लेकर लड़कियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लड़कियों को अकेले निकलना अब सुरक्षित नहीं रहा है, अब आए दिन रेप केस को तो कभी लापता होने के केस सामने आते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी के राजाजीपुरम में लखनऊ के लिए निकली किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया, वहीं लापता किशोरी के परिजन थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जनसुनवाई पोर्टल पर मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं किशोरी के परिजनों ने मामले में अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता शादाब मौजूद हैं। शादाब, स्कूल के लिए निकली किशोरी के लापता होने की खबर और पुलिस द्वारा FIR दर्ज न कराना, ये बड़ी समस्या है, आखिर आम जनता जाए तो कहां जाए? लखनऊ में लगातार चार दिन से जो घटनाएं सामने आ रही थी रेप को लेकर, उसको देखते हुए तारकटोरा जो पुलिस है, जो इंस्पेक्टर तारकटोरा है, उन्होंने ये जो मुकदमा नहीं लिखा, इसके चलते एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस हिसाब से लखनऊ में लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो अपहरण करके रेप हो, चाहे उसको करें, तो तब भी जो है लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से इंस्पेक्टर तारकटोरा ने मुकदमा ना लिख के परिवार को भगा दिया, तो उसको देखते हुए बड़ा सवाल उठता है। हम आपको ये भी बता दें कि जब परिवार वाले थाने पहुंचते हैं तो उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो जिसके बाद उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। हम आपको ये भी बता दें मनीष कि जब सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ है, उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई, और जब पुलिस से इसके बारे में बात की गई तो पुलिस ने बताया कि मैंने मुकदमा लिख दिया है। लेकिन अगर मुकदमे की बात की जाए तो सवाल ये उठता है कि अगर इन्होंने मुकदमा लिख दिया था तो परिजन जो छात्रा की माँ है या परिवार है उनका, तो उनको जन सुनवाई पोर्टल पे क्यों जाना पड़ा अगर इन्होंने मुकदमा लिख दिया था, एक ये बड़ा सवाल बनता है। लेकिन जो परिवार वालों का आरोप है, परिवार का आरोप है कि एक कोई बच्चा था, एक लड़का है, युवक, उसके पर परिवार वालों ने आरोप लगाया है। उसका कहना है, परिवार वालों का कहना था कि जो ये युवक है वो बच्ची जब स्कूल जाती थी तो उसका पीछा करता था, और कभी छुट्टी के टाइम या फिर जब वो स्कूल जाती थी तब,
इसको चलते हुए उन्होंने शक जताया है इस पे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अपहरण या हत्या की आशंका है उनको, जिसके चलते उन्होंने जब थाना तारकटोरा ने बात इनकी नहीं सुनी तो उन्होंने जन सुनवाई पे अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं, वहीं जो कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ है वो इसमें हिला हवाली कर रही है। अब लगता यही है कि जिस हिसाब से हिला हवाली कर रही है तो उसको देखते हुए ये कोई बड़ी घटना को अंजाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज ये घटना हुई है उसको देखते हुए ये बड़ा सवालिया निशान है कि इतना लखनऊ में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं कि रोज पांच दिन से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी तारकटोरा इंस्पेक्टर इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और परिवार वालों को भगा देते हैं, जिसके चलते परिवार वाले जन सुनवाई पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। जी मनीष जी, शताब 90 घंटों के अंदर रेप और छेड़खानी की इतनी वारदातें सामने आ रही हैं, और अभी पांचवी वारदात जो आई है किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि वो परिजनों का रिपोर्ट तक नहीं लिखने को तैयार है, उसमें कुछ जांच और खोजबीन करने तक को तैयार नहीं है। फिलहाल उनके परिवार वालों का इस पर क्या कहना है, और अब जो अभियुक्त था जो छेड़खानी कर रहा था उसके खिलाफ क्या अभी तक कार्रवाई हो पाई है? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने तो साफ तौर पर यह बताया है कि मैंने मुकदमा लिख दिया है, लेकिन सवाल बस यही उठता है कि अगर इन्होंने मुकदमा लिख दिया था तो परिवार वालों को जन सुनवाई पोर्टल पे जानने की क्या जरूरत थी अगर इनका मुकदमा लिखा था। लेकिन जिस हिसाब से इनकी ढीला हवाली है तो उसको देखते हुए साफ तौर पर यह नजर आता है कि तारकटोरा पुलिस कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ी घटना हो तो उसके बाद ये कार्रवाई करें। अगर ये कार्रवाई करते तो अब तक वो लड़का भी बरामद हो जाता है जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस यही कहती नजर आ रही है कि मैं उसके घर गया था तो परिवार वाले जो लड़के युवक के परिवार वाले थे वो अभी नहीं मिले हैं, वो फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन जो छात्रा है, छात्रा की माँ है, उसका साफ तौर पर कहना है, उसने साफ तौर पर आरोप ही यही लगाया है कि यही लड़का है जो जब मेरी बच्ची स्कूल जाती थी तो ये पीछा करता था, जब छुट्टी होती थी तब भी ये पीछा करता था, वो बदतमीजी करता था, जिसके चलते ये जो आज 18 तारीख से लेके अभी तक वो बच्ची नहीं मिली है, तो उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपहरण हो गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन ये एक बड़ी घटना है, जो तारकटोरा पुलिस है ये संज्ञान नहीं लिए थे, जिसके चलते परिवार वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस टाइम मामला ये है कि जब सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब वो जांच कर रही है। फिलहाल मुकदमा जो पुलिस का कहना है कि मुकदमा अब लिख दिया गया है, अब इसकी जांच की जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि कब तक लड़की बरामद होती है या जो छात्रा है कब तक ये ढूंढ के लाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ये हाला हवाली कर रही है तो ये एक बड़ा सवाल बनता है लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस में। जी कुल मिला के शादाब, ये कहा जा सकता है कि पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसके कारण से अभी तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है और अभियुक्त भी फरार नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में साइबर क्राइम की सनसनीखेज वारदात बढ़ती जा रही है, अक्सर लोग के साइबर ठगी का शिकार होने के कई मामले सामने आते रहे हैं। इसी बीच हजरगंज डीएम आवास के पास स्थित सरकारी बैंक के खाते से जालसाजों ने सीवीआर सिस्टम से सेंधमारी करने का मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि जालसाजों ने सीवीआर सिस्टम से 146 करोड़ की सेंधमारी की है। वहीं घटना के बाद बैंक अधिकारियों ने मामले की जानकारी साइबर क्राइम मुख्यालय को दी, जिसमें ATS भी उस जांच पड़ताल में लगी हुई है, जिसके बाद खातों को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मामले की जांच में पता चला है कि भूमि सागर कंस्ट्रक्शन के खाते में 74 करोड़ की रकम भेजी गई थी। वहीं साइबर टीम ने 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे यहाँ 16 अक्टूबर को एक मुकदमा कायम हुआ कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से कि हमारे CBS सिस्टम से 146 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस FIR को हम लोगों ने कायम किया। उस FIR में एक RS दुबे करके नामजद थे, जो पूर्व कर्मचारी थे और रिटायर्ड हो गए थे, और अन्य के विरुद्ध यह मुकदमा कायम हुआ। जब हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखा तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे वो करीब 8 अकाउंट थे, और 8 से दूसरे बैंकों में भी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो जो अकाउंट होल्डर है उसमें एक को सुख सागर नाम है, उनको सुख सागर चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो ये बैंक के एक्स रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं इनकी प्रेजेंस देखी है अनऑथराइज तरीके से सिस्टम को एक्सेस करते हुए मॉर्निंग में,
घटना ये दोपहर की बात की है, लेकिन कोई भी आदमी इस तरह के प्लेस पे अगर अनधिकृत रूप से जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, आम जनता की मेहनत का, जीवन भर की कमाई जो उस बैंक में जमा करते हैं जाकर, और वहां पे भी अब उनकी कमाई सुरक्षित नहीं है। 146 करोड़ की छेदमारी हो गई है और बैंक के अधिकारी खुद इसमें शामिल पाए गए हैं। फिलहाल इस पे आपके पास अब ताजा जानकारी क्या है इस मामले में? जहां डिजिटलाइजेशन हर एक जगह देखने को मिल रहा है, वही राजधानी लखनऊ के कोऑपरेटिव बैंक में अगर बात की जाए तो बीते दिनों 146 करोड़ रुपए एकाएक गायब हो गए, जिसकी बाद जो बैंक कर्मचारी थे वो सूचना साइबर क्राइम को देते हैं। और साइबर क्राइम इस मामले को लेकर जब तहकीकात करता है तो पता चलता है कि वहाँ मौजूदा जो पूर्व में काम किए गए कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत के द्वारा लगभग 146 करोड़ रुपए की छेदमारी लगाई गई थी, और जिसमें साइबर टीम ने तमाम तहकीकात और तमाम पूछताछ किए दर्जनों लोगों से, तो मामला ये निकल के आया कि वहाँ काम कर रहे पूर्व में SBRS दुबे और सुखसागर सिंह चौहान नाम के व्यक्ति, जो कि पूर्व में वहाँ पोस्टेड थे और रिटायर्ड हो चुके हैं अभी, उनके द्वारा, उनकी मिली भगत के द्वारा 146 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया। और वहीं आपको बताएं कि कहीं ना कहीं जो सीवियर सिस्टम था, यानी कि जो बैंक का सिस्टम था जिसका एसेस होता है, वो उनके पास मौजूद था और उसका गलत फायदा उठाते हुए उनके द्वारा 146 करोड़ रुपए की हेरफेरी की गई। वही आपको बताएं कि इसमें से लगभग 74 करोड़ रुपए की रकम भूमि सागर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को गए थे। जब एकाएक पैसे का ट्रांसफर हो रहा था तो कोऑपरेटिव बैंक के तमाम जो कर्मचारी थे वो बैंक खातों को, सभी बैंक खातों को सीज किए, जिससे पैसों का आदान प्रदान इधर ना हो सके। और छानबीन में ये पता लगा कि 146 करोड़ रुपए की छेदमारी की गई है, जिसमें से 74 करोड़ रुपए भूमि सागर कंस्ट्रक्शन को गई है। तो भूमि सागर कंस्ट्रक्शन के अकाउंट को सीज करके और जो 146 करोड़ रुपए की रकम है वो अलग अलग अकाउंटों में रोटेट की जा रही थी, तो इससे संबंधित जो भी अकाउंट है उसको प्राथमिकता का दिखाते हुए उसे सीज किया गया है और जो रकम है उसकी रिकवरी की जा रही है। अभी फिलहाल में अगर बात करें मनीष जी, तो दो लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और दर्जनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके पास बैंक का जो एसेट होता है वो कैसे था, और जब वो रिटायर हो गया उसके पास से चार्जेस चली गई तो वो कैसे इतनी मोटी रकम दूसरे खातों में डालते हुए नजर आया। तो खैर, अगर बात की जाए तो ये मामला अब साइबर क्राइम के पास है और छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी बात की जाए तो दो रिटायर्ड कर्मचारियों को गिरफ्त में लेकर और उन्हें जेल भेजने का काम किया गया साइबर क्राइम की तरफ से। जी विभांशु, इसको अगर इस प्रकरण को देखा जाए तो आम जनता और जो ग्राहक अपना पैसा, अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी आके बैंक में जमा करता है, वो जरूर बहुत ही निराश हुआ होगा इस खबर से। फिलहाल इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।